दोस्तों यहाँ पर इन दिनों दोस्तों व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया पर दोस्तों ग्रुप में दोस्तों एक मैसेज वायरल हो रहा है बड़ी तेजी से। दोस्तों उस मैसेज का क्या सच है और क्या झूठ है तो आज की वीडियो दोस्तों कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो या मुझसे आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपकी कोई भी राय हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको 101% आपको रिप्लाई देने की कोई कोशिश करूंगा। दोस्तों आज का जो व्हाट्सएप का जो मैसेज है जो इतनी तेजी से वायरल हो रहा है तो आज के बारे में उसको बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको इन दिनों पता है कि सरकार और व्हाट्सएप यानी कि सोशल मीडिया के जो टॉप टॉप प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम हो गए, ट्विटर हो गए, ठीक है, ये सब हो गए और फेसबुक हो गए, तो इन दिनों इनका तकरार चल रहा है, ठीक है। इन तरफ इनकी सरकार और इन सब की बहसबाजी चल रही है। जैसे कि सरकार ने आईटी नियम में यहाँ पर कुछ बदलाव किए थे तो उन सब बातों को ध्यान रखते हुए इन्होंने नज़रअंदाज किए हैं इन सब प्लेटफॉर्म ने। लेकिन अब सरकार का अगला नियम क्या है वो आज की वीडियो में आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया से रिलेटेड आपको यहाँ पर सभी अपडेट आपको मिलने वाले, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो अब करते हैं बात। तो दोस्तों मैसेज क्या है और क्यों वायरल हो रहा है, बड़ी तेजी से मैसेज वायरल हो रहा है। वो मैसेज ये है कि मान लीजिए दोस्तों आपके व्हाट्सएप पर आप कोई मैसेज भेजते हैं, आपका किसी दोस्त का मैसेज आता है तो ब्लू टिक शो होता है, ठीक है। और मान लीजिए अगर उस ब्लू टिक की वजह ब्लू टिक के साथ साथ आपको एक रेड टिक आ जाए तो आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे आप। यहीं पर दूसरा क्वेश्चन ये है, उस मैसेज में ये बताया गया है कि अगर तीनों रेड टिक आ जाए तो फिर क्या होगा। घबराने वाली बात तो बिल्कुल है यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पर इस मैसेज में ये बताया है कि दो ब्लू टिक और एक रेड टिक अगर होगा आपके व्हाट्सएप मैसेज में तो सरकार आप पर कार्रवाई करेगी, यानी कि आपकी जो चैटिंग है वो पूरा रिकॉर्ड है वो चेक करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों रेड टिक अगर आ जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर उस मैसेज में ये बताया जा रहा है कि अदालत कार्रवाई करेगी सरकार आप पर, यानी कि सरकार अदालत कार्रवाई करेगी, यानी कि सरकार को अब इतना टाइम है कि एक एक बंदे का मतलब व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पर चेक करके वो उसकी कार्रवाई करेगी, अदालत कार्रवाई करेगी, सरकार उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी, ठीक है, इतना इनको टाइम है। तो दोस्तों ये तो मैं आपको बता देता हूँ, दोनों बातें मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों इन मैसेज में कितना सच है कितना झूठ छुपा है तो वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग इस मैसेज को सच भी मान चुके हैं और कुछ लोग इस मैसेज को गलत भी मान रहे हैं, इग्नोर भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे मैसेज हैं। तो यहाँ पर पता है कि इन दिनों सरकारें आईटी नियम में काफ़ी बदलाव किए हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर बात बता देता हूँ। दरअसल यहाँ पर यह है कि दोस्तों यहाँ पर सरकार ने आईटी नियम में यहाँ पर कुछ प्रभाव में किए हैं, ठीक है, आईटी नियम में यहाँ पर कुछ चेंज किया है। और इन दिनों दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि सरकार और व्हाट्सएप के बीच तकरार चल रहा है और ऐसे में ही यहाँ पर एक मैसेज आता है जो कि वायरल हो रहा है कि ये सब होगा, ठीक है, तो यहाँ पर कानूनी कार्रवाई होगी, अदालत कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों ये मैसेज एक फ्रॉड मैसेज है, एक झूठ वाला मैसेज है, इस मैसेज में कोई सच्चाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सरकार किसी का व्हाट्सअप तक चेक करने की कोई अभी तक पहुंच नहीं है। तो यहाँ पर व्हाट्सअप का जो मैसेज दोस्तों वो ग्रुप में ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब दोस्तों हुआ ये है कि यहाँ पर कहना ये है कि व्हाट्सअप के जो यहाँ पर कुछ नियम है यानी कि चैट और कॉलिंग के, यहाँ पर कुछ ऐसा संचार नियम लाएगा व्हाट्सअप, यानी कुछ ऐसा अपडेट लाएगा कि उस संचार को सरकार से जोड़ देगा। दोस्तों मैसेज में ये कहा गया है कि यहाँ पर सरकार एक कानूनी कार्रवाई यानी कि लॉ एनफोर्स अथॉरिटीज को यहाँ पर दोस्तों चेकिंग होगा और यहाँ पर कुछ भी सरकार के खिलाफ कुछ भी यहाँ पर पोस्ट होगी तो उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो एनक्रिप्शन जो कि यहाँ पर पोस्ट और जो वीडियो यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो कोई अपलोड करे कानूनी कार्रवाई होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये एक फेक मैसेज है। और इस मैसेज को नज़रअंदाज करके दोस्तों यहाँ पर आप अपने आगे बढ़िए, ओके। आप दोस्तों जान लेते हैं आईटी नियम के बारे में यहाँ पर कुछ बातें। सरकार ने यहाँ पर जो बड़े सोशल प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप के, तो यहाँ पर कंपनियों को ये हिदायत दी है, यहाँ पर जो कंटेंट के प्रति जो भी कंटेंट के प्रति हैं उन कंपनियों को यहाँ पर जिम्मेवारी लेनी होगी, ये सरकार की दोस्तों यहाँ पर हिदायतें हैं। दोस्तों अधिक यहाँ पर एजेंसी है दोस्तों वहाँ पर 36 घंटे के अंदर उस आपत्तिजनक जो भी यहाँ पर कंटेंट है उन सबको यहाँ पे हटाना पड़ेगा।
और यहाँ पर अश्लील पोस्ट होती हैं उन सबको यहाँ पर 24 घंटे के अंदर वहाँ से हटाना होगा, नहीं तो यहाँ पर कानूनी कार्रवाई यहाँ पर बिल्कुल की जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो दोस्तों आईटी नियम जो बताए गए हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल सच है, ये ऐसा हो सकता है, बिल्कुल आईटी नियम में यहाँ पर सोच विचार जरूर किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया थे दोस्तों आपको यहाँ पर व्हाट्सअप में जो मैसेज वायरल हो रहा था दोस्तों, उन सब का यहाँ पर आपको सच आपके लाया हूँ सामने कि ये फ्रॉड है, ठीक है, इन सब का कोई नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर दोस्तों व्हाट्सअप के जो दोस्तों आईटी नियम है दोस्तों वो बिल्कुल सच हैं। और अगर आप इस अपडेट को दोस्तों यहाँ पर खुद पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस अपडेट को डायरेक्ट वहाँ से पढ़ सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को एक लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। मुझसे जुड़ने के लिए, अपना कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगली नेक्स्ट और टेक्निकल मजेदार वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।